4 अगस्त 2021। इस दिन कोई इतिहास नहीं रचा गया, परंतु एक अहम बदलाव अवश्य देखने को मिला। टोक्यो ओलंपिक में भारतीयों के लिए ये एक अहम दिन था। इसी बीच कल ही के दिन भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट मैचों की सीरीज भी शुरू हो गई और कल ही भारत और इंग्लैंड के बीच पहला टेस्ट मैच भी था। अब क्रिकेट प्रेमी भारत में स्वाभाविक था कि प्राथमिकता किसे मिलनी चाहिए, लेकिन आपको पता है कि प्राथमिकता किसे मिली? ओलंपिक में भारत के प्रतिनिधित्व को, क्रिकेट को नहीं। जी हाँ, आपने ठीक सुना। TFI पर आपका स्वागत है। मैं महिमा पांडे आपको बताऊंगी कैसे पहली बार एक क्रिकेट मैच के ऊपर मिली ओलंपिक में भारतीय मैचों को प्राथमिकता। कल प्रातः काल से ही पूरा भारत ओलंपिक में भारत के खिलाड़ियों का प्रदर्शन देख रहा था, चाहे वो भाला फेंकना हो, कुश्ती हो या फिर हॉकी ही क्यों ना हो। पहली बार क्रिकेट और अन्य खेलों की भिड़ंत में क्रिकेट पिछड़ गया और भारतीय प्रशंसकों ने टोक्यो ओलंपिक में भाग ले रहे भारतीय खिलाड़ियों को बढ़ावा दिया। अब ये कैसे संभव होगा? आमतौर पर भारत में या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ओलंपिक में भारत के किसी भी स्तर के प्रदर्शन को कवरेज नहीं दी जाती थी, लेकिन जब बुधवार को मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन सेमीफाइनल में दावेदारी के लिए उतरी तो उन्हें भी प्रमुख तौर पर कवरेज दी गई। और जब नीरज चोपड़ा ने भाला फेंकने में अपेक्षा के अनुरूप प्रदर्शन करते हुए पुरुष भाला फेंक के फाइनल्स में जगह बनाई तो उसे भी बराबर मीडिया कवरेज दी गई। लेकिन बात केवल मीडिया कवरेज तक ही सीमित नहीं रही। सोशल मीडिया पर भी दिन भर अधिकतर ट्रेंडिंग में लवलीना, भारतीय हॉकी, नीरज चोपड़ा, रवि दहिया, दीपक पुनिया जैसे नाम ही गूंजते हुए दिखाई दिए। दरअसल बुधवार को भारतीय महिला हॉकी टीम का सेमीफाइनल कई बार विश्व चैंपियन और ओलंपिक चैंपियन रह चुकी अर्जेंटीना की महिला हॉकी टीम के साथ था। हालांकि भारतीय टीम अर्जेंटीना से नाजुक अंतर से हार गई, परंतु ये टीम अपने प्रदर्शन के लिए पूरे समय चर्चा में रही। इसके साथ साथ कुश्ती में अपेक्षा से बेहतर प्रदर्शन करते हुए दो पहलवान रवि कुमार दहिया और दीपक पुनिया फ्री स्टाइल कुश्ती में अपने अपने वर्गों के सेमीफाइनल तक पहुंचे। दीपक सेमीफाइनल में हार गए और वे कांस्य पदक के लिए आज भिड़ेंगे। लेकिन एक अप्रत्याशित दांव में कजाकिस्तान के नूर इस्लाम सनाएव को तकनीकी आधार पर चित करते हुए रवि कुमार दहिया ने इतिहास रचा और 57 किलो वर्ग के कुश्ती के फाइनल में जगह बनाई। जिस देश में क्रिकेट का नाम दिन रात जपा जाता हो, वहाँ एक दिन के लिए भी यदि क्रिकेट से इतर किसी खेल में लोग रुचि ले तो ये एक सकारात्मक बदलाव है। लवलीना को जब मुक्केबाजी के लिए कांस्य पदक मिला तो देश भर में उसे बधाइयां देने का तांता लग गया। पूरे दिन लवलीना, नीरज चोपड़ा और रवि दहिया का ही नाम ट्विटर पर गूंजता रहा। इस सकारात्मक पहल में केंद्र सरकार ने भी बराबर का योगदान दिया, चाहे पूर्व खेल मंत्री किरेन रिजिजू हो या फिर वर्तमान खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, दोनों ने खिलाड़ियों को समय समय पर प्रोत्साहित किया। खिलाड़ियों के प्रति देश और सरकार का रवैया किस प्रकार से सकारात्मक रूप से बदला है, इसका सबसे बड़ा प्रमाण तो स्वयं PM नरेंद्र मोदी ने दिया है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने सार्वजनिक तौर पर घोषणा की है कि स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर पूरे भारतीय ओलंपिक दल के सभी सदस्यों को लाल किले पर प्रधानमंत्री का अभिभाषण देखने के लिए आमंत्रित किया गया है। पहली बार देखने को मिला कि जिस देश में क्रिकेट के अलावा किसी और खेल के बारे में चर्चा तक नहीं की जाती, वहाँ एक दिन के लिए ही सही परंतु केवल और केवल कुश्ती, भाला फेंक, हॉकी जैसे खेलों की चर्चा अधिक हुई और क्रिकेट की ओर किसी का ध्यान नहीं गया। एक दिन के लिए ही सही पर रवि दहिया, नीरज चोपड़ा, लवलीना इत्यादि का नाम पूरे देश की जुबान पर था। और आज भी भारत ने टोक्यो ओलंपिक में इतिहास रच दिया है। भारत ने पुरुष हॉकी में 4 दशक का सूखा खत्म करते हुए कांस्य पदक जीत लिया है। भारत ने जर्मनी को 5-4 से मात दी और सिमरनजीत सिंह ने 3 गोल दागे। ऐसे में जिस तरह का भारतीय हॉकी टीम का प्रदर्शन रहा, उससे आम जनता का झुकाव इन खेलों के प्रति बढ़ रहा है, जो एक सकारात्मक बदलाव है।